हाय फ्रेंड्स, आज मन कुछ अच्छा नहीं है और आई थॉट आई विल टॉक टू यू. आज आप लोगों को अपने साथ मानती हूँ, देखती हूँ. आई नो हाउ थिंग्स आर. बहुत अजीब लग रहा है इस सब चीज़ों को देखते हुए. जो कुछ हालात हैं हमारे आसपास, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ, क्या बात कहूँ. कल चैनल पे बैठी हुई थी और रोहतक का गैंगरेप केस सुन रही थी. आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड. व्हाई दीज पीपल आर बिहेविंग इन सच मीनियक. किस चीज़ की भूख है इन्हें, क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं. मेरी क्रिमिनोलॉजी फेल हो गई है यार. यहाँ पे मैं सिर्फ एक पैनलिस्ट नहीं हूँ, दिल से फील करती हूँ और बहुत फील कर रही हूँ इस चीज़ को. मुझे लगा कि मैं शायद आप लोगों के साथ इस चीज़ को बांट सकूँगी, शायद आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे. इतनी बुरी तरह से उस लड़की के साथ बलात्कार करना और उसके बाद उसको एक कुत्ते की मौत मारना, क्यों, आखिर क्यों, क्यों? क्योंकि उस लड़की ने मना कर दिया. उस लड़की ने सिर्फ ये कहा, मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहती. अभी निर्भया का वर्डिक्ट आया है 5 मई का और ये 9 मई का इंसिडेंट है. क्रिमिनल्स के दिमाग में इतनी ज्यादा गंदगी भर चुकी है. हम लोग सोसाइटी के अंदर बाहर आ रहे हैं, हम लोग बोलते रहे हैं, मैं कितना बोली हूं कि माइंडसेट को अपना चेंज करो, माइंडसेट चेंज करो. मुझे लगता है पर माइंडसेट चेंज होगा नहीं ऐसे, क्योंकि हम लोग माइंडसेट चेंज करना ही नहीं चाहते. औरतों को ये कहीं ना कहीं हम समझने लग गए हैं कि शायद ये लड़कियां जो है खेलने की चीज़ हैं. इनके साथ ये अगर नहीं कहेंगी तो पावर दिखाना है इनको, इनको हमें कहीं ना कहीं इनको ये दिखाना है कि ये हमारे नीचे हैं, हम डोमिनेट कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक थ्रेट लेवल हैं. शायद इसीलिए एलिमिनेट करना चाहते हो. कब तक एलिमिनेट करोगे और कितना एलिमिनेट करोगे? थक गए हैं हम लोग आप लोगों को समझा समझा कर, ये बोल बोल के कि प्लीज हम लोगों के साथ दुश्मनी मत मोल लो. हम लोग कोई, वी आर अ पार्ट ऑफ यू. हम लोग आप लोगों से अलग नहीं है. क्यों आप लोग ये बात समझना नहीं चाहते हो? सारे आदमी रेपिस्ट नहीं है, पर कुछ आदमी इस तरीके से सामने आते हैं जो उन बाकी मास को भी कैप्चर कर रहे हैं. हमारी जुडिशरी, आई नो, आई ट्रस्ट आवर जुडिशरी, आई नो, बट कहीं ना कहीं शायद हम लोग हमारी जुडिशरी में भी हम लोग फेल हो रहे हैं. हम यही नहीं समझ पा रहे कि उन क्रिमिनल्स को, पर्पेट्रेटर्स को हम लोग क्या ब्रूटल, जिस तरीके से उन्होंने उन लड़कियों के साथ किया, ऐसी कौन सी डिटेरेंट पनिशमेंट दें. थक गए हम लोग समझने के लिए. हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप लोगों को कौन सी पनिशमेंट देंगे. आप लोगों को समझ में आए कितना पढ़ती हूं मैं, पढ़कर समझने की कोशिश कर रही हूं, केसेस देखती हूं, पर हम आप लोगों को समझ नहीं पा रहे. थक गए आपको समझाने के लिए कि कम आउट ऑफ दिस, आप लोग खत्म कर दोगे सब कुछ. क्या मजा आता है आपको? सब हर समय सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, सिर्फ यही एक चीज बची है. कभी इससे ऊपर उठ के देखा है? क्यों नहीं समझते आप लोग? इतनी गंदगी, कितना मारा है आपने उसको. निर्भया काफी नहीं थी कि यहां पर उनके साथ, उस लड़की के साथ भी, केरला में भी केस है, बच्चों के साथ, कितनों के साथ. हमें क्यों मजबूर कर रहे हैं आप लोग कि हम लॉ को अपने हाथों में लें? हम लॉ को हाथों में नहीं लेना चाहती हैं. बस करो यार, अब बस करो. इनफ इज इनफ. बस
ये मत सोचना कि ये आग आपके घर में नहीं पहुंचेगी, ये आग आपके घर में पहुंचेगी। और उस वक्त में हम लोग पूछेंगे कि अब आप लोगों को कैसा लग रहा है, कहां तक दर्द है इस चीज का। मैं सिर्फ पैनल पे बैठना नहीं चाहती, मैं समझाना चाहती हूं आप लोगों को कि अंत हो चुकी है, अब अपनी इस हैवानियत को बंद करो। तुम लोग को इलाज की जरूरत है, इलाज करवाओ अपना, डॉक्टर की हेल्प लो, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लो। ये बीमारी है, इंसान नहीं हो आप लोग, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो आपके काम कर रहे हैं। निकल कर आओ इसमें से। मैं परेशान हो चुकी हूं। हम लड़कियां, ना तुम लोगों ने हमें बाहर निकलने देते हो, ना घर में हमें जीने दे रहे हो। कहां से जन्मोगे अगर हम सब लड़कियों को मार दोगे? कहां से जन्मोगे? हु इज द वन हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल? डिटेरेंस डिटेरेंस डिटेरेंस, आप लोगों को डिटेरेंस पनिशमेंट भी समझ में आती है? इट इज ऑल अबाउट द होल, राइट? इट इज ऑल अबाउट द होल। तुम भी भूल रहे हो, उसी होल में से तुम लोग भी जन्मे हो। एजुकेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक पार्ट है। सबसे बड़ी बात है गिल्टी महसूस करना। अपने आप को गिल्टी महसूस करो, गिल्ट महसूस करो अपने अंदर जब कुछ गलत और गंदा करते हो, महसूस करो उसे। कभी विक्टिम की फैमिली को देखा है जाकर? देखा है उनकी क्या हालात होती है? तुम तो सिर्फ एक के साथ करते हो, उसकी पूरा पूरा खानदान खत्म कर देते हो। आ तुम्हारी 5 मिनट की एंजॉयमेंट के लिए वो पूरी औरत खत्म हो जाती है, उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। बाहर जाकर एक बारी मिलो उन लोगों से, पैसा, उसके बाद पैसे की बात करते हो, कंपनसेशन, कितना कंपनसेट करते हो, कि कितना पैसा है तुम लोगों के पास, कितना पैसा है? शराबे पी पी कर दिमाग खराब कर लिया है। पैसा, ये शराब कहां ले गया? देखा है अपने आप को? यू नो मोर एनीवेयर। ये रास्ता तुम्हें कहां तक ले जाएगा इस बात का अंदाजा नहीं है। आज कहते हो ना कि तुम लोगों को कोई डर नहीं, कुछ नहीं, पर एक बात सच में याद रखना, ऊपर वाला देखता है और सबका हिसाब होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, जस्ट कम बैक। अभी भी बहुत दूर नहीं गए हो। हम सबकी बदुआएं मत लो, प्लीज। हम सबकी बदुआएं मत लो, बख्श दो लड़कियों को, वो भी जीना चाहती हैं आप ही के साथ, आप लोगों के साथ। हम में से कोई इक्वल और अनइक्वल की बात नहीं है। ये लड़ाई हमने शुरुआत नहीं करी है, ये लड़ाई पॉलिटिक्स की है। पॉलिटिशियंस हमारे आप सबके दिमाग में ये बात डालते हैं कि हम लोग इक्वल नहीं है, ये है वो है। इट इज नॉट अबाउट इक्वालिटी, इट इज अबाउट अ ह्यूमन रेस, इट इज अबाउट यू एंड मी। वी आर इक्वल, वी वॉन्ट टू स्टे इक्वल इन द हाउस। कोई, देयर इज नथिंग रिलेटेड, यू नो, वेर यू नीड टू शो योर पावर, यू नीड टू बी एंग्री, एंड वेन यू आर सो एंग्री दैट यू स्टार्ट रेपिंग अराउंड, क्राइम ऑफ पैशन इज कमिंग अप। नो सुनना सीखो। अगर तुम लोगों को भी तो हम लोग नो बोलते हैं, तुम्हारी नो हम लोग भी तो सुनते हैं, तो इसका मतलब ये हम आपके ऊपर एसिड डाल दें? इट्स जस्ट दिस, वी कांट रेप यू पीपल। सोचो एक बार, रेप का मतलब अगर समझना है तुम लोगों ने, अगर ये जो यूनिक्स है जिनको हम छक्के कहते हैं, अगर किसी दिन वो तुम लोगों को रास्ते में पकड़ ले और तुम लोगों के साथ जबरदस्ती करे, क्या ये डिटेरेंट पनिशमेंट होगी? क्या हम सब यूनिक्स को बोल दें कि जो जो आदमी के साथ, जिस आदमी ने औरत के साथ इस तरह से काम किया है, उनके साथ ये काम हो, कैस्ट्रेशन हो? डू यू वांट अस टू पुट दैट पीआईएल इन द कोर्ट? दिस इज इनफ यार, बस। बस आज मुझे यही कहना है। मुझे नहीं मालूम आप लोग कब समझोगे, बट प्लीज
कम से कम उस माँ की कोख का तो लिहाज कर लो। थैंक यू, थैंक यू।